हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थंबनेल के बारे में, जो कि यूट्यूब वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने देखा है मेरे काफ़ी सारे नए यूट्यूबर्स जो होते हैं, वीडियो तो काफ़ी अच्छे बनाते हैं, बट उनका थंबनेल अच्छा ना होने के कारण उन पर व्यूज़ नहीं आती हैं। तो चलिए आज मैं आपको थंबनेल बनाना सिखाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम पिक्सल आर्ट है, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप प्ले स्टोर पर जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पिक्सल आर्ट को ओपन कर लेते हैं। देखिए थोड़ा लोड हो रहा है। ये काफ़ी एक अच्छी एप्लीकेशन है, इस पर आप चाहें तो सिग्नेचर इन भी हो सकते हैं, या तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप फर्स्ट आपको ये प्लस आइकन पर क्लिक करना है, और प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा स्क्रीन पे शो करेगा। इस पर आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है, और ये पिक कैनवास पर आपको क्लिक कर देना है। पिक कैनवास पर क्लिक करते ही आपको ये 1280x720 का रेशियो सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद कुछ ऐसा स्क्रीन पर शो करेगा, तो आपको यहाँ ये फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आपको फ़ोटो सिलेक्ट करनी है, जो कि मैंने पहले से ही बना रखी है। तो सबसे पहले ये मैं ना ग्रीन नहीं लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं लूँगा ये ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, जिससे हमारा थंबनेल काफ़ी अट्रैक्टिव दिखे। तो पहले मैं स्क्रीन को पूरा पूरा कर लेता हूँ कवर। हाँ थोड़ा सा रह गया। हाँ देखिए ये पूरा स्क्रीन पर कवर हो गया है। अब हम दूसरा कलर लेंगे, क्योंकि थंबनेल जब दो कलरों से बनता है तो ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, और हमको इस थंबनेल को इतना अट्रैक्टिव बनाना है ताकि आदमी उस पर ही क्लिक करे, जैसे ही थंबनेल को देखे तो वो सबसे पहले हमारे वीडियो पर ही क्लिक करे। तो देखिए वाइट लेयर आ गई है, इसको अब थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, और थोड़ा बड़ा भी कर लें, क्योंकि छोटा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ अरे ये थोड़ा ज़्यादा सीधा हो गया, सीधा हो गया है। एक मिनट, अरे यार पूरा बैक होना पड़ेगा। एक मिनट फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ ये हो गया फुल स्क्रीन। पिक्सल आर्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फोटो लेंगे, जो कि वाइट होगी, वाइट लेयर की कुछ इस तरह। इसको हल्का सा रोटेट करेंगे कुछ इससे, ये ज़्यादा हो गया रोटेट थोड़ा सा। हाँ अब फिक्स है, ये देखिए। अब आप इसको इस तरह से अपने स्क्रीन पे फिक्स कर लो। थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट हो गया। हाँ अब ठीक है जी। इसको हम सेट करके आगे एडिट इमेज पे जाएंगे, और एडिट इमेज पे जाने पे सबसे पहले हम लेंगे टेक्स्ट। जैसे ही मैं आपको सिखा रहा हूँ हाउ टू मेक अ थंबनेल, तो मैं हाउ टू मेक अ थंबनेल का ही थंबनेल बनाऊंगा। सबसे पहले हाउ टू, ओके, इसको हम मुझे अच्छे से ऐड करना है। वन मिनट, हाउ टू क्रिएट थंबनेल, ओके, ये वन मिनट, हाउ टू क्रिएट, ओके ओके। अब थोड़ा हम इसके फ्रंट को थोड़ा अच्छा लेंगे, मोटा सा, ताकि अच्छा दिखे, ये कुछ इस तरह, थोड़ा सा बड़ा। अब मैं क्या करूँगा, शेडो, शेडो से हमारा थंबनेल काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे कि वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इस पर थोड़ा सा कलर देते हैं ब्लैक। अब स्ट्रोक, स्ट्रोक जो होता है हमारा बैकग्राउंड का कलर होता है, ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट, नेक्स्ट टेक्स्ट करेंगे, हाउ टू क्रिएट बेस्ट बेस्ट।
बेस्ट को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ज़्यादा नहीं। थंबनेल कुछ ऐसा बनाइए कि वो बिल्कुल बस देखने वाला उस पर क्लिक तुरंत ही कर दें बिना सोचे। इसको मैं दूंगा ब्लू कलर, हाँ जस्ट लाइक। स्ट्रोक मैं इसको ब्लैक ही दूंगा, बट इसमें थोड़ा शेडो ज़रूर डालूंगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा साइड पे। आपको जो कलर अच्छा लगता हो आप उसी कलर का इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं किसी कलर का इस्तेमाल करें। हाँ, ओके बेस्ट हो गया। अब आती है थंबनेल की बारी। चलिए थंबनेल भी लगा लेते हैं भाई। थंबनेल, आजा आजा आजा, बड़ा हो जा कुछ इस तरह ये। अब इस पे कलर करने बारी, इसके अंदर का कलर भर लेते हैं, फिल कर लें पहले। कौन सा कलर अच्छा है? ये कलर पसंद करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कलर अच्छा सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, इसलिए कलर पर ज़्यादा ध्यान दें। अब आती है हमारे लोगो की। अपने थंबनेल पे अपना लोगो जरूर लगाएं, जिससे देखने वाले को पता चल सके कि ये आपका ही वीडियो है। कुछ ऐसे, ये मेरे वीडियो का लोगो है जो कि मैं इसको साइड में सेट कर ले रहा हूँ। एडजस्टमेंट ज़रूर ध्यान दें, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लग रहा है। अब मैं एक और फ़ोटो ऐड करूँगा जो कि मैंने PNG डाउनलोड कर रखी है। ये PNG, इस PNG को मैं लगाता हूँ, थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा बड़ा हो गया लगता है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। हल्का सा, हाँ देखिए कैसा लग रहा है। चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपनी गैलरी पे। ध्यान रखिए आप ये एरो पर क्लिक मत करिएगा सेव करने के लिए, इस पे आपकी फ़ोटो जो होती है वो ख़राब हो जाती है, वो कम MB में होती है, जिससे कि आपकी फ़ोटो थोड़ी फटने लगती है। तो आप ड्रॉ पर जाइएगा, ड्रॉ पर जाके ये डॉट पे क्लिक करिएगा, डॉट पे सेव इमेज का ऑप्शन आएगा, वहाँ से ही इमेज को सेव करिएगा। सेव होने के बाद ये हमारी गैलरी में आ चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ गैलरी में आया है कि नहीं। ये हमारा पिक्सल आर्ट का गैलरी है, ये देखिए कितना अच्छा थंबनेल लग रहा है। अगर आप इसको वीडियो पर अपने लगाएंगे तो सामने वाला ज़रूर आपके वीडियो पर ही क्लिक करेगा और आपको यूट्यूब पे अच्छी खासी व्यूज़ और काफ़ी सारी अर्निंग हो सकती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।